अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त हम कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हम जा रहे हैं इस वक्त दोहा कतर। वहाँ से हमारी फ़्लाइट है USA डैलस की और हम सफ़र पे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ सफ़र पर हैं। हमारे साथ एक और फैमिली भी है, साउथ के फ्रेंड हैं वो भी हैं, और ये इब्राहिम मेरे साथ मौजूद हैं। हेलो इब्राहिम। और ये जन्नत, हाय जन्नत। हेलो। सफ़र का आगाज़ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह खैर से पहुँचाए और इंजॉय करें और वापस खैर से। और एहसन भाई और डॉक्टर मेहरीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं हमारे, और हम सब साथ अमेरिका टूर पे जा रहे हैं। इस वक्त हम कराची एयरपोर्ट के लाउंज में मौजूद हैं और इस सफ़र में हम आपको रखेंगे अपने साथ। छोटी छोटी वीडियोस मैं डालती रहूँगी, आप देखते रहिएगा कि किस तरह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और क्या क्या हमने किया इन इस टाइम में, इन यादगार लम्हात में। तो आप मेरे साथ रहिएगा। अभी हम निकल चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अभी हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं। प्लेन में भी हम आपके साथ रहेंगे। जी, हम प्लेन में आ चुके हैं, अपनी अपनी सीटें हम लोगों ने संभाल ली हैं। और कभी कभी प्लेन में ऐसा भी होता है कि हम सीटें चेंज करते रहते हैं क्योंकि कभी जन्नत और इब्राहिम की आपस में अनबन हो जाती है तो इब्राहिम हमारे पास आ जाता है, या जन्नत जो है वो उधर चली जाती है, सऊद के पास आ जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों आराम से बैठे हैं। ये जो फ़्लाइट है हमारी, ये पौने दो घंटे तक की है। हम दोहा पहुँचेंगे और फिर दोहा से कुछ घंटे के स्टे के बाद हम अमेरिका के लिए अगली फ्लाइट लेंगे। जी, हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा हम रिफ्रेश होंगे यहाँ पर, रेस्ट रूम यूज़ करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3-4 लाउंज हैं खाने के। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर रेस्ट रूम बनाया हुआ है। और चूंकि कोविड है तो कोविड के लिए एक्स्ट्रा जो है वो SOPs पे अमल किया जा रहा है। और ये एक लाउंज है इनका, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाउंज है कतर एयरपोर्ट पे। और ये इस लाउंज के अलावा और बहुत सारे यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, और आप ये देख सकते हैं गेम जोन है। और इब्राहिम साहब ने यहाँ पे अपनी जगह संभाल ली है, वो गेम खेलने में मशगूल हो गए हैं, बच्चों को तो बस गेम्स ही चाहिए अलग। तो इब्राहिम इस वक्त सर्वे कर रहा है कि मैं कौन से गेम रूम में खेलूँगा। ये एक और किड्स रूम बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करने के लिए लाउंज में बैठे हैं। ये एक फैमिली प्राइवेट लाउंज है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, टीवी देखेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम खाने के लिए जाएंगे क्योंकि हमने प्लेन में खा लिया था, इसलिए इस वक्त हमें भूख नहीं है। यहाँ पर हमारा कुछ घंटे का स्टे है। जी, तो हम निकल पड़े हैं अब शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे ख़ास हम शॉपिंग करते नहीं हैं। जन्नत को स्टारबक्स कॉफ़ी पीनी होती है, उसका
सैंडविच खाना होता है इब्राहिम को, जन्नत को, तो हम वो लेने के लिए जाएंगे फ़िलहाल। और रस्ते के लिए भी वो लोग लेते हैं हमेशा यहाँ से, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है यहाँ का, आप देख सकते हैं। अच्छा, जन्नत को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जन्नत हमारे साथ नहीं आई है, मैं, सऊद और इब्राहिम आए हैं सिर्फ। बहुत सारे ब्रांड्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलेट्स मौजूद हैं, और ये देखें आप, ये टाइम गुजारने का बहुत अच्छा तरीका है। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं उसमें काफ़ी टाइम जो है वो हमें गुजारना होता है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, इस तरह से जो है स्टे होता है। और अब हम लाउंज में वापस आ चुके हैं, अब यहाँ से हम खाना खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब 2-3 घंटे गुजर गए हैं और अब हमें भूख लग रही है, तो अब हम सब ऊपर वाले लाउंज में खाना खाने के लिए जाएंगे। और जी, अब हम अगली फ़्लाइट के लिए रवा दवा हैं, और ये जो फ़्लाइट है हमारी, ये तकरीबन 14 घंटे की फ़्लाइट होगी, और 14 घंटे की फ़्लाइट में हमने बहुत कुछ करना है। कहते हैं कि सफ़र में दुआएं कबूल होती हैं, तो हम हमेशा सफ़र में दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह पाक हम सबकी तमाम दुआओं को कबूल करें, और हम सबके तमाम जो भी हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। और हम अब दोबारा प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्टारबक्स हमने एयरपोर्ट से लिया था वो प्लेन में रखा हुआ है, अब ये प्लेन का नहीं खाना खाएंगे बल्कि ये स्टारबक्स खाते हुए जाएंगे। दोनों सैंडविचेस ले लिए इन दोनों ने अपने लिए। बहुत ही खूबसूरत कतर की ये बिज़नेस क्लास है, और हम हमेशा कतर एयरवेज से ही सफ़र करते हैं, तकरीबन 14-15 साल से हम कतर में ही सफ़र कर रहे हैं, और इसका स्टाफ बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है। और यहाँ पे इस फ्लाइट में, कतर एयरवेज में, ट्रैक सूट दिया जाता है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बेड है वो लगाते हैं, वो मैट्रेस बिछाते हैं सीट पे अगर आपको सोना हो। और ये 14 घंटे चाहे कितनी ही आराम दे आपका प्लेन हो, लेकिन सफ़र की थकान जो है वो आपको ज़रूर महसूस होती है।
जी तो मेरा खाना आ चुका है, ये अभी फ़िलहाल स्टार्टर दिया है इन्होंने, सूप है, ब्रेड है, बटर है, मैं लाइट में आपको दिखाती हूँ, और मेन कोर्स अभी आना बाकी है। स्टार्टर में सूप के साथ इन्होंने ये सैलड दिया है, इसमें प्रॉन है, क्रैब है, और मैंने एप्पल जूस लिया है साथ में। मेन्यू होता है, आप मेन्यू देखकर कुछ भी मंगा सकते हैं। सी फूड के अलावा चिकन होता है, लैम्प होता है, वेजिटेरियन खाना भी होता है, किड्स मील भी होता है। और सऊद शायद अपने खाने का वेट कर रहे हैं, अभी तक इनका खाना अभी तक नहीं आया है। और मेरा मेन कोर्स भी ये देखें आ चुका है, अब क्योंकि मैंने स्टार्टर ख़त्म कर लिया था, अब मेन कोर्स आया है। मैंने सी फूड ही मंगाया था, फ़िश है, प्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार खाना होता है यहाँ का, हेल्दी खाना होता है। और बच्चों ने ज़ाहिर है स्टारबक्स ही खाया था, बच्चे जो हैं वो शायद सोने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, बहुत नींद में है क्योंकि हमें प्लेन में बैठे हुए तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, लेकिन ये लोग नहीं सोए थे, तो अब जब इनके सोने का टाइम है तो मैं जाग रही हूँ और ये सब सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब से तकरीबन कुछ घंटों के बाद हम आपसे मिलेंगे जब हम डेलिस एयरपोर्ट पर उतर रहे होंगे इंशाल्लाह। चार पाँच घंटे सोने के बाद सब लोग उठ चुके हैं और हमने अपना जो ट्रैक सूट है वो चेंज कर लिया है, जो नाइट सूट उन्होंने दिया था हमें, और अब हम लैंड करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तकरीबन 14.5 घंटे के बाद हम डेलिस में लैंड करने वाले हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। ये जो लैंडिंग है ये हम अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि टीवी हमारे सामने लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ खैरियत से लैंड कर चुका है और हम डेलिस पहुंच चुके हैं। डेलिस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं हम लोग, और अब हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे घर जाकर, और फिर रात को हमारी एक दावत है उसकी तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम एयरपोर्ट के बाहर आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अजी भाई, महमूद भाई, माजिद भाई हमें लेने आए थे, वो लोग गाड़ियाँ लेने के लिए गए हुए हैं, और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जी तो हम फ्लैट पर आ चुके हैं, माजिद भाई का फ्लैट है ये, और कुछ लोग यहाँ रहेंगे, कुछ लोग होटल में रहेंगे, और बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं घर में रहना,
होटल बहुत कम रहते हैं वो लोग, होटल में तो वहाँ रहते हैं जहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी ससुराल जो है वो माशाल्लाह से अमेरिका में है, और मेरी फूफो भी रहती हैं वहाँ, मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टे किया है, और बच्चों का रूम है ये, जन्नत का, इब्राहिम का, और अपना रूम भी दिखाती हूँ मैं आपको अभी। सऊद साहब यहाँ पर बैठे हैं। हम इस रूम में स्टे करेंगे, और इब्राहिम साहब से रहा नहीं गया, और इब्राहिम साहब फौरन से आते ही यहाँ पे पूल में उन्होंने छलांग लगा दी है, क्योंकि इब्राहिम को बहुत 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 मज़ा आता है स्विमिंग करके। तो वो इस वक्त अकेले लगे हुए, धूप में रंग भी काला होगा यकीनन, मुझे यकीन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इब्राहिम को पूल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमें अभी शाम को खाने पे भी जाना है, और इब्राहिम का दिल ही नहीं भर रहा है स्विमिंग कर करके। शाम को हम जफर भाई के घर खाने पर जाएंगे आज। और अब हम खाने पे जाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, हम खाने पे जाएंगे अभी जफर भाई के घर। तो जी ये खाना हमने रात का जफर भाई के घर पे खाया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खाना था। क्या खाया भाभी आप? क्या 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 ये गलत है ये वैसे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए होगा बहुत कुछ, तो इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। देखते रहिएगा मेरे चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।